नमस्कार दोस्तों, अभी ना मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे मुझे ये जानने को मिला कि लमसम के लिए और SIP के लिए फ़ंड कुछ अलग नहीं होते। जिसमें SIP कर रहे हो उसमें लमसम कर दो, ठीक है, और जिसमें आप मतलब लमसम के लिए कोई रिसर्च भी नहीं होती, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई होती है, साफ सीधी बात है। और इस वीडियो में आपको वही पता लगने वाली है। तो अगर हम बात करें कि इस वीडियो में आपको क्या पता करने वाला मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम मार्केट का PE वैल्यू देखेंगे कि कहाँ तक जाता है और कहाँ पे है अभी, और इस हिसाब से लमसम करना ठीक होगा या नहीं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जब डिविडेंड यील्ड आप देखोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता लगता है कि हमें मार्केट में लमसम डालना चाहिए या नहीं। थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि परफेक्ट PE या परफेक्ट डिविडेंड यील्ड क्या हो सकता है और कब रीच हो सकता है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, इस समय पर भाई क्या करना है फिर। और फिफ्थ पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से दो ऐसे फंड हाउस हैं जिनका शायद एक एक फंड आप किसी भी कैटेगरी में से उठा लेंगे तो वो लमसम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और उसका मैं आपको एक सबूत भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट से स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं कि मार्केट का PE किस तरह से काम करता है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ स्क्रीन पे, और ये निफ्टी 50 का PE वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगे चल रहा है, ठीक है। और निफ्टी पिंक कलर और निफ्टी PE ग्रीन कलर का है, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप देखिए, जब निफ्टी का PE 17 के आसपास था तो मार्केट 76 के आसपास पहुँच गया था, और अगर हम निफ्टी के PE को देख के उस समय पैसा डाल देते तो आने वाले कुछ समय में आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता, ठीक है। और अगर हम इसे थोड़ा सा होल्ड करते और ले लेते, तो चलिए यहाँ पे भी एक डिप आया था, उस डिप को थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। और वो डिप कितने का था रफली, अगर मैं देखूँ कि वो डिप आया यहाँ पे, अगर इसको हम यहाँ पे स्टॉप करें तो ये स्टॉप होके हमारा आ जाता है 36 पे। निफ्टी अगर PE 36 पे पहुँचा तो मार्केट 1,317 पे पहुँच गया, और अगर आप होल्ड करते तो मार्केट 15,000 पे पहुंच जाता, ठीक है। अब ये PE की वैल्यू काफ़ी नीचे हमें दिखाई दे रही है, वापस नीचे गिरना शुरू हुई है। तो आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में निफ्टी का PE उल्टा U बना के आया है, यानी कि अभी ऊपर से काफ़ी नीचे आया है, और जिस वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है, और भी बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। और मार्केट रफली 20,000 रुपये से यहाँ पे 19,400 के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी निफ्टी का PE 22.64 है, आप देख सकते हैं इससे नीचे भी जा सकता है। अब एक बार के लिए चलते हैं डिविडेंड यील्ड पे, ठीक है। अभी तो ये हमें पता लग गया कि मार्केट और नीचे जा सकता है निफ्टी PE के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड ना ये लगा लो कि जितना एक तरह से जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होता है मार्केट उतना ज़्यादा गिर जाता है एक तरह से, ठीक है। डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा, यानी कि 1.75 से ऊपर होगा तो आप मार्केट में बहुत आराम से एंटर कर सकते हैं। यहाँ मार्केट जब 23 मार्च कोविड के टाइम पे गिरा था ना, तो 2 पे पहुँच गया था डिविडेंड यील्ड, और उस समय अगर आपने पैसा डाला होता तो मज़े आ जाते। यानी कि 1.75 से ऊपर आपको मिलना बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन अगर उससे मिल जाए ऊपर तो बढ़िया है, ठीक है। और यही मार्केट के अप एंड डाउन आप कैप्चर करते चलेंगे तो 1 से ऊपर जितना ऊपर आपको मिल रहा है उतना बेटर है, और 1 से 1.40 से ऊपर, 1.30 से ऊपर, 1.350 से ऊपर मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अभी यहाँ बात करें तो 1.39 पे खड़ा है, यानी कि अभी ये और ऊपर जा सकता है। 1.41, 42, 43 ये इसका रेंज है, 45 तक ये आराम से टच कर जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 43, 48 ये आराम से टच कर रखा है ये नंबर। और ये नंबर अगर अब दोबारा टच होता है 1.48, 45, तो उस समय आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट डालेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब कि आप अपने पैसे को 3 टुकड़ों में करेंगे, यानी कि लाख रुपया है तो 33,000, 33,000 और 34,000 रुपये आपने 3 हिस्से कर दिए। ये हिस्से करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पैसे को पहले हिस्से को आप अभी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था ना शुरू में वीडियो के कि फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना है, तो अभी आप पहला हिस्सा डाल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे 4.1, 4.2 के अराउंड पहुंचता है तब आप दूसरा हिस्सा डाल सकते हैं, और 4.5 के पास पहुंचेगा तो आप अपना तीसरा हिस्सा डाल सकते हैं। उसके बाद ये और नीचे अगर जाता है तो जाने दीजिए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया, ठीक है। आप 4.5 से नीचे वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे तो आप सालों साल ढूंढते रह जाएंगे, तो आपके पास यही सही मौका होता है। और हमेशा अगर हम 4.5 के बाद भी कुछ पैसा छोड़ते हैं तो वो आपको 10 में से 8 बार छोड़ना पड़ जाएगा। तो जो अच्छा कैलकुलेशन निकल के आता है वो ये कि 4.5 के आसपास पैसा डाल दो, ठीक है ना। 1.4 जब डिविडेंड यील्ड हो,
तो अभी ये डिविडेंड ईल्ड हमने देखा 1.39 है, 1.42 पे सेकंड और 1.5 पे, यानी कि 1.45 पे हम तीसरी इंस्टॉलमेंट डाल देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हैं अभी और सेकंड इंस्टॉलमेंट हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब चलते हैं और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जाने से पहले, कि लमसम, और मैंने आपको लास्ट में बोला था ना कि दो फंड हाउस बताऊँगा, तो लमसम और SIP के लिए म्यूचुअल फंड अलग अलग हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको प्रूफ देता जाता हूँ फटाफट से, और साथ में दो फंड हाउस भी बताता जाऊँगा। तो आपको दिखा देता हूँ फटाफट से लमसम और SIP के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। निपोन को मैंने ऐड किया था, लेकिन निपोन में प्रॉब्लम ये निकली कि जब मैं इसके रिटर्न देख रहा था, चलो रिटर्न तो लास्ट दो क्वार्टर में अच्छे हैं, लेकिन फिर उसके बाद इसकी ना रेशोज़ नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में भी बताया था और एक वीडियो में भी बताया था कि ये लमसम के लिए बेटर हो सकता है ये म्यूचुअल फंड, और ये SIP के लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में 4% बेशक ये बेटर अभी दे रहा है, कल को ये बेटर हो जाएगा, तो इस पर आप नहीं ज़्यादा चर्चा कर सकते। ये 4% का डिफरेंस इन्होंने वैसे तो बना ही रखा है, लेकिन हमेशा बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो रिटर्न ज़्यादा कम कोई भी दे सकता है। लेकिन इसमें अगर हम लमसम करते हैं तो हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ना ये होता है कि कौन सा फंड ज़्यादा गिर सकता है, तो ये फंड ज़्यादा गिरेगा जब मार्केट गिरेगा। तो अभी 14, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 15 अगस्त है, और यानी कि 14 अगस्त को मार्केट जब गिरा था तो दोनों फंड गिरे होंगे, ठीक है। कौन सा फंड कितना गिरा वो देख लेते हैं। पराग पारिक की NAV जो गिरी वो 0.22 गिरी, और इधर क्वांट फ्लेक्सी की जो गिरी 0.84, अगर मैं इसका 4 गुना कर दूँ ना तो ये रफली 0.88 होता है, जो इसके बहुत करीब है, यानी कि 4 गुना तक ज़्यादा गिर गया। शायद ये चीज़ बहुत हमेशा ना देखने को मिले आपको, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि ये ज़्यादा जल्दी गिरेगा, और जब ऊपर चढ़ेगा ना तो भी ये ज़्यादा जल्दी चढ़ेगा। अब मान लीजिए कि ये पराग पारिक है, ये चलता जा रहा है, ठीक है, इस पे आप SIP करते जा रहे हैं और आपकी ग्रोथ होती जा रही है, तो ये ऐसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और दूसरी तरफ अगर क्वांट फ्लेक्सी की बात करूँ तो वो कैसे चल रहा है, वो ऐसे ऐसे, यानी कि ये डिप है ना जो, वो बहुत बड़ा आ रहा है और आपको इस डिप पे उठा लेना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो कैसे पता लगता है कि ये इतने ज़्यादा नीचे गिरते हैं, मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगता है। और दो फंड हाउस जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किए थे वो है क्वांट और निपोन, इन दोनों को अगर आप उठा लेते हैं, निपोन स्मॉल कैप या क्वांट का कोई भी फंड उठा लेते हैं, तो इनमें स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्टली हाई होता है, तो आप यहाँ पे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।